हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमारा प्रश्नावली 3.2 चल रहा था और हमने प्रश्न संख्या 4 का 1 और 2 कंप्लीट करा दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 और 4 देखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। और जिसमें हमने पहला और दूसरा देख लिया था, तीसरा क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो 2x + y - 6 = 0। और फिर दूसरा दिया हुआ समीकरण 4x - 2y - 4 = 0 दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग संगत और असंगत के बारे में थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले पर काटेगा तो संगत और नहीं काटेगा तब संगत, है ना। यानी कि कहीं भी नहीं काटता है जब, तो हमारा क्या होता है, संगत होता है। दूसरे पे काट देता है तो असंगत होता है। तो ध्यान में क्या रखना है आपको, पहले पे काटेगा तो संगत, नहीं काटेगा तब संगत। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा दिया हुआ है 2x + y - 6। तो सबसे पहले a1 b1 और c1 का मान ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, और b1 का मान क्या होगा, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना। फिर c1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, -6, राइट। अब ये चलते हैं हम लोग समीकरण में, तो a2 का मान क्या हो जाएगा 4, b2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, -2, और c2 का मान क्या हो जाएगा, -4, राइट। अब देखिए a1 / a2 करते हैं हम लोग, a1 / a2 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान क्या है 2, और a2 का मान क्या है 4। 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 आया इसका अनुपात। फिर उसके बाद b1 / b2 करते हैं, b1 / b2। अब देखिए b1 का मान क्या है 1, और b2 का मान -2, तो 1/-2, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और ये -1/2। अब चूंकि यहाँ पे देखें तो c1 / c2 निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a1 / a2 का मान जो है प्लस में 1/2 आ रहा है, और b1 / b2 का जो मान है -1/2 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ a1 / a2 का अनुपात जो है b1 / b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, और जब नहीं है तो ये क्या होता है, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो दिए गए समीकरण है वे असंगत नहीं है, संगत है, है ना, क्या है, संगत है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि संगत है। अब हम लोग जब संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे ना, अब क्वेश्चन में बोला है ना कि ग्राफीय विधि से हल करें जब संगत होगा। तो हम लोग यहाँ पर अब इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ ग्राफीय विधि, इसलिए ग्राफीय विधि से ग्राफीय विधि से तो समीकरण दिया है तीसरा, ये देखिए 2x + y - 6 ना बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे 2x + y और -6 है तो उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक है, ये समीकरण हो गया। दूसरा दिया हुआ है 4x - 2y = 4, 4x - 2y, और -4 था तो उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा अगर ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा सा, तो 2 और 2 कॉमन है ना दोस्तों दोनों में, तो 2 2 कॉमन कर निकाल लेते हैं हम लोग। तो 2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या बचेगा -y, और इधर क्या बचेगा 4। 2 से इसे कट कीजिए, 2 बार में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2x - y = 2, है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 से हम लोग पहले बॉक्स बना लेते हैं ग्राफ के लिए, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या दिया हुआ है 2x + y = 6। अब देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले अगर बॉक्स बनाए इसका, तो ये हमारा बॉक्स हो जाएगा,
ये हमारा कम्प्लीटली बॉक्स हो चुका है। यहाँ पे यक्स रखेंगे और यहाँ पे वाई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यक्स का मान अगर जीरो ले लेते हैं तो जीरो रख देने पे जीरो का गुणा दो में होगा तो जीरो हो जाएगा ना, तो इसको तोप दीजिए। ये वाई का मान क्या मिलेगा, छः। तो यक्स का मान जीरो लेने पर वाई का मान सिक्स आ रहा है। अब वाई का मान अगर जीरो रख दूँ तो दो गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, दो से अगर छः को कटाएंगे तो तीन बार में। तो यानी वाई का मान जीरो लेने पे यक्स का मान कितना आ रहा है, तीन आ रहा है। ये किससे प्राप्त हुआ, समीकरण एक से, राइट। ये पहला बॉक्स हो गया। बॉक्स नंबर अब दूसरा कैसे प्राप्त करेंगे, तो टू एक्स माइनस वाई बराबर दो से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण दो से, समीकरण दो क्या दिया हुआ है, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू। अब देखिए यहाँ पे इसके सामने भी बॉक्स बना लेते हैं हम लोग बढ़िया से। ये हमारा बॉक्स हो गया है, इसको ज़्यादा हल नहीं करने के फिर हमें लगना है दोस्तों, ठीक है। यक्स वाई यहाँ पे ये नहीं लिखना है, आपका मर्जी करेगा तो लिख सकते हैं, जब यक्स का मान जीरो तो वाई का मान इतना, और नहीं भी लिखना चाहते तो ये अगर आप अपने माइंड से बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यक्स का मान अगर हम लोग यहाँ पे ले लें जीरो तो वाई का मान क्या मिलेगा, माइनस का दो। तो यक्स का मान जीरो पे वाई का मान माइनस दो मिल जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस जो है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वाई का मान जीरो ले लेते हैं हम लोग तो यक्स का मान क्या मिलेगा, दो गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में, यक्स का मान एक मिल जाएगा। ये किससे प्राप्त हुआ बॉक्स, दो से। अब आइए हम लोग खींचते हैं ग्राफ। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। और ग्राफ नहीं है, पहले तो ये हमारा चतुर्थांश सब बनाया हुआ। अब देखिए ये हमारा यक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। अब यक्स अक्ष पे हमने लिया है अधिकतम तीन तक और इधर माइनस तीन तक, है ना। और माइनस में की जो संख्या होती है एक्स डैश कहलाता है। उसी प्रकार वाई, ये वाई डैश है हमारा, माइनस है मूल बिंदु से नीचे और की दूरियाँ और ये प्लस है। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है हमारा बॉक्स। तो ये हमारा बॉक्स है, यक्स का मान जीरो पे वाई का मान क्या है, छः है। तो इस चीज़ को अब हम लोग दर्शाते हैं कि यक्स अक्ष पे जीरो पर, तो देखा जाए तो यक्स अक्ष ये है हमारा जीरो, यहाँ पे आएगा। वाई अक्ष कितना है, छः है। तो वाई का मान यहाँ पे है ना, छः। तो ये बिंदु जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाला अब देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर यक्स बराबर तीन पर वाई का मान क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे देखिए यक्स अक्ष पर तीन, तो ये हमारा तीन है और वाई का मान क्या है, जीरो है। तो यहीं पर रह जाएगा ये बिंदु। अब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह करके आपको एकदम अच्छी तरह से और मिला देना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ हमारा पहले वाले समीकरण का ये मिल जाएगा। तो ये हो गया, ठीक। अब ये किसका ग्राफ है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा का है, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस छः का ग्राफ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2x प्लस वाई माइनस छः बराबर जीरो का है ये ग्राफ, है ना। अब दूसरा वाला हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप यक्स का मान जीरो पे वाई का मान क्या है, माइनस का दो। तो इसको भी दर्शाएंगे हम लोग, यक्स का मान जीरो पर वाई का मान क्या है, माइनस का दो। तो यानी कि ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए यक्स का मान एक पर वाई का मान क्या है, जीरो है। यानी यक्स अक्ष पर एक है तो वाई का मान क्या है, जीरो है। तो ये बिंदु यहीं पर रहेगा। अब देखिए इन दोनों को अगर हम लोग मिला लें तो ये हमारा इस तरह मिल जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से एकदम मिलाना है बिल्कुल। अगर आप माप लेके बढ़िया से अच्छी तरह से बनाते हैं तो ये मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। जहाँ काट रहा है वहाँ पे आ जाएगा वैल्यू। तो ये हो गया हमारा ग्राफ तैयार, है ना। और ये ग्राफ किसका है, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो का है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं 4x माइनस 2y और माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो का ये ग्राफ है, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये जो ग्राफ मिल रहा है प्रतिच्छेदी मिल रहा है। अगर आपको यक्स और वाई का मान निकालना है तो ये देखिए यहाँ पे काट रहा है ना, तो आप इसका नियामक भी लिख सकते हैं। ये यक्स अक्ष का जो मान है 0 था, वाई का मान -2, और यहाँ पे 1 था यक्स का मान, और वाई का मान क्या था, 0 था। यहाँ पे यक्स का मान 3 था और वाई का मान 0, यहाँ पे यक्स का मान 0 था और वाई का मान 6 था, राइट। तो ये हमारा इस प्रकार ये ग्राफ हो जाता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे पूछ दे आपसे कि यक्स और वाई का मान बताइए, तो जहाँ काटता है ग्राफ उसका पहले हम लोग नियामक लिखते हैं। तो ये देखिए आप, यक्स अक्ष पर ये कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है ना, चलिए 2 हो गया। वाई का मान क्या है, 2 ही है, तो यानी यहाँ पे यक्स का जो मान आ जाएगा 2 आ जाएगा, और वाई का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं, चौथा नंबर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, और ये बोला है कि संगत है कि असंगत है ना। तो सबसे पहले अगर देख ले हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको भी जांच कर लेते हैं। तो 4 नंबर है हमारा, तो A1 का मान जो है कितना दिया है, ये हमारा 2 है ना, तो 2 लिखेंगे हम लोग। फिर B1 का मान क्या है, -2। फिर C1 का मान क्या है, -2। फिर A2 का मान क्या है, तो इस समीकरण से ले लेते हैं हम लोग, ये है 4। फिर B2 का मान क्या है दोस्तों, -4। और C2 का मान क्या है, -5, राइट। तो अब निकालेंगे हम लोग A1 बटा में A2, यानी A1 और A2 का अनुपात निकालेंगे। तो A1 बटा में A2 क्या होगा, 2/4, और इसे देखा जाए तो ये हो जाता है हमारा 1/2 हो जाता है, ठीक। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब B1 बटा में B2 निकाल लिया जाए, तो ये हो गया B1 बटा में B2, ठीक। ये -2/-4 हो जाएगा, -2/-4। यहाँ पर देखिए, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 4 यानी 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग देख ले तो C1/C2 कर लेते हैं। C1/C2 देखिए, -2/-4 है, ये लिखेंगे हम लोग, -2/-5 है, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये आ गया हमारा 2/5। अब देखा जाए यहाँ पर, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, A1/A2 का अनुपात 1/2 है, B1/B2 का भी अनुपात 1/2 है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो C1/C2 इन दोनों का जो अनुपात है, इसका जो अनुपात है ये 2/5 है, यानी कि इन दोनों के अनुपात से अलग है ना, तो यानी कि ये वाला अनुपात इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों नहीं बराबर है किसके, C1/C2 के। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि यहाँ A1/A2 = B1/B2 = not C1/C2 है, इसलिए ये समीकरण ने, ये जो समीकरण है दोस्तों, क्या हो जाएंगी, तो असंगत हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, असंगत, ठीक, असंगत होगी। और जब असंगत होगी दोस्तों, तो इसे ग्राफीय विधि से नहीं हल करेंगे, राइट। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।